हेलो एवरीवन, आज है फ्राइडे 26 अगस्त 2022। टाइम हो रहा है 10:12। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन बैंक के शेयर के बारे में। मुझे ये शेयर शॉर्ट टर्म में बुलिश नज़र आता है। मैं आपको अपना शॉर्ट टर्म टारगेट इस शेयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज इस शेयर में क्या चल रहा है। तो शेयर आज 193 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 2% से ज़्यादा की आज तेज़ी दिखा रहा है शेयर। अगर मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में शेयर ने 12.40% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। तो शेयर एक अप ट्रेंड में नज़र आता है पिछले एक महीने में। अगर मैं 6 महीने का रिटर्न देखूं तो 6 महीने का रिटर्न है 35.49% का। तो शेयर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले 6 महीने में। और अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले एक साल में 57.88% का रिटर्न है इंडियन बैंक के शेयर का। अभी शेयर 193 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर मुझे बुलिश नज़र आता है शॉर्ट टर्म में। इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडियन बैंक एक नेशनलाइज बैंक है, ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बहुत पुरानी बैंक है, एस्टैब्लिश हुई है 1907 में, हेडक्वार्टर्ड है चेन्नई में। सीईओ है श्री शांति लाल जैन, फाउंडेड है 15 अगस्त 1907, हेडक्वार्टर्ड है चेन्नई में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 39,734 के आसपास है, ये 2022 का डाटा है। और रेवेन्यू है 45,771 करोड़ का। तो यह इंडियन बैंक से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने बताया कि यह शेयर मुझे अभी बुलिश नज़र आता है। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 193 रुपये 50 पैसे पे। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर 200 रुपये के प्राइस टारगेट के तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें, पर मुझे शॉर्ट टर्म में ये शेयर बुलिश नज़र आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।